हरी बिल्डा स्कीम से संबंध रखता हूँ। हमारी स्कीम में तीसरे दिन पानी आ रहा है और वो भी पानी जो है वो माकूल नहीं आ रहा है, जिससे जो डेली के उपभोक्ता हैं उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसके साथ साथ पशुओं के लिए पानी की भी बहुत बहुत समस्या हो रही है। तो हम जो हमारे हैंडपम्प है उससे गेड़ कर हम पानी की समस्या को दूर कर रहे हैं, या फिर पशुओं को कहीं आगे पीछे ले जाके पानी की समस्या दूर कर रहे हैं, लेकिन पशुओं के लिए उससे चलाया जा रहा है काम। पानी की बड़ी ज्यादा दिक्कत है, लोग बड़े तंग हो रहे हैं। विभाग को भी किया पर विभाग ने भी कुछ नहीं किया। हर साल जो गर्मी के महीना आते हैं और इसमें हर साल की तरह ही जिला हमीरपुर में पानी के भीषण प्रकोप दिखा जा रहे हैं। कहने के लिए तो बहुत बड़ी बड़ी स्कीम है यहाँ, लेकिन जो भी स्कीम यहाँ बनती है ऊँट के मुंह में जीरे की बराबर। यहाँ हर एक वार्ड में पानी की कमी हर गर्मी में दिखाई दे रही है, इस बार भी वही हाल है। और सबसे बड़ी बात यह है पानी आता कब है और जाता कब है, आज तक हमें ये समझ में नहीं आया। इसके लिए भी पहले भी एक बार डीसी महोदय से भी बात हुआ था कि जब भी पानी हर वार्ड में पानी जो आता है मतलब उसका एक समय निश्चित किया जाए, जिससे हर परिवार को पता लगे कितने बजे पानी आएंगे, लेकिन उसका कोई समय फिक्स नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी बात ये देखा जा रहा है जब एक भीषण गर्मी के समय आता है तो पानी का जो मतलब दुर्दशा मतलब निरंतर ही बढ़ते जाता है, और इस समय तो भीषण ही मतलब बुरा हाल है पूरा जिले में। पानी की समस्या जो हमीरपुर जिला में पूरे जिला में ही दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ती जा रही है। अगर सरकार ने केंद्र सरकार ने और जो पिछली जो भाजपा सरकार थी अगर उन्होंने समय रहते हुए कोई अच्छा कदम उठाया तो हमीरपुर शहर के लिए जो परियोजना आ रही थी अगर उसके लिए जो केंद्र द्वारा फंड रोका गया था अगर उसको समय पर उपलब्ध करवाया होता तो ये समस्या देखने को नहीं मिलती। और बाकी रही अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में तो जो जल स्रोत दिन प्रतिदिन जो है वो उनका जो जल स्तर है वो गिरता जा रहा है, उसके लिए भी जो है वो सरकार को उचित से उचित कदम उठाने चाहिए ताकि जो आने वाला समय है वो लोगों के लिए अच्छी पानी की समस्या जो है वो बनी रहे। सबसे बड़ी समस्या जो हमारा खनन जो खनन खड्डों में हो रहा है उसकी वजह से जो है वो हर दिन प्रतिदिन जो है वो पानी की समस्या बढ़ती जा रही है, तो इसके ऊपर भी खनन के ऊपर भी जो सरकार को रोक लगानी चाहिए ताकि जो है वो पानी की समस्या ना आए।